वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हैं हम लोग जनपद के गुजराती बैग लेन मार्केट, और मेरे साथ है मेरा शॉपिंग पार्टनर। टाइम जब स्नेहल यहाँ आई थी तो बहुत सारा बैग्स लेकर गई थी, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली और बार बार यूज करती है स्नेहल। बिल्कुल, तो आप मेरे वीडियो आज क्या होता है। बिल्कुल, आप मेरे वीडियोज में उन बैग्स और चप्पल को देखते होंगे। तो वापस से हम लोग आ गए हैं गुजराती बैग लेन मार्केट। इससे पहले भी मैं यहाँ आई थी और जो मैंने शॉपिंग किया है उसका व्लॉग बनाया था, पूरे मार्केट का व्लॉग बनाया है। इनकेस अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं ऑन द वे हूँ गुजराती बैग लेन के लिए, तो चलिए मेरे साथ साथ में मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या नई चीज़ें मार्केट में आई है। चलिए, ये वही वाला जो मैंने अभी पूछा आपसे, क्या प्राइस है इसकी? 500 है, बट डिस्काउंट मुझे अच्छा ये लग रहा है, तो आप ये ले लीजिए। इट इज ऑन। अच्छा लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। Look at the colors. ब्राइट है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। मल्टी कलर्ड है इसमें, लॉट ऑफ अदर कलर्स ऑल्सो। तो गुजराती बैग लेन में जैसे मैं आई हूँ, तो आती साथ सबसे पहले ये बैग अच्छा है ना, चली गई। बहुत ही ब्राइट कलर्स हैं इसमें। तो ये वाले बैग्स हैं, ये हैं 1500 ईच। ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसका ऑरेंज वाला भी अच्छा है। इसमें एक मुझे ब्लैक भी अच्छा लगा है, ये वाला देख लो, ब्लैक के दो। वाओ, ये भी अच्छा है। ये रंजना दीदी के पास से मैंने सारी चीज़ें मैं हमेशा लेती हूँ, और अभी भी मैंने यहाँ से एक बैग लिया है। बस चलो बाय। ये बॉर्डर्स हैं, ये कुर्ते हैं सब नाइस। अच्छा, बैग्स यहाँ पे भी हैं। अच्छे मुझे बहुत लग रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है ये मेरे को सूट नहीं करेगा। देखिए नॉर्मली इसका मैंने 3200 स्टार्टिंग करता हूं, फिर बाद में करना। वो ठीक है, लेकिन खाने के लिए 2500, ये 2500 के बैग्स हैं। ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड दे हैव लॉट ऑफ अदर कलर्स ऑल्सो। ये देखो सारे इसके कलर्स हैं, बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सारे मल्टी कलर्ड हैं। इसमें और भी मिल जाएंगे आपको कलर्स चाहिए तो मैं। वाओ, वेरी नाइस। और ये स्पेशियस भी है, वाला एक पॉकेट होगा, बैक साइड भी एक पॉकेट है, वर्टिकल में माना। और सबसे इनकेस आपको ये स्ट्रैप नहीं चाहिए तो दे कैन कस्टमाइज स्ट्रैप्स फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैप्स के ऑप्शंस हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। और सिर्फ इस वाले पीस में कितने भैया, 40-50 और कलर्स हैं आपके पास? 50 अदर कलर्स भी हैं। क्या शॉप नंबर है ये? 12 नंबर शॉप है। अच्छा, 12 नंबर शॉप है, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। ये आशीष जी की शॉप है और 12 नंबर शॉप है ये। तो इनके पास भी बैग्स की मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लग रही है, लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आई थी। और ये वाला पीस फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कि क्या इसकी फाइनल प्राइस होती है और हम लोग ले पाते हैं। नहीं, मतलब
तो ये वाला एक अफगान चोकर जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं बट ये मल्टी कलर्ड है तो और एक वो भी है गोश्त पे वाली आती है आई कैन स्टाइल दिस विद माय आउटफिट्स तो लेट्स सी इसकी बेस्ट प्राइस क्या होती है। एक दूसरा ये वाला मैं ट्राई कर रही हूँ ये वाला ग्लास है और इससे पहले जो है वो मैंने मीनाकारी वाला लिया था ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट लास्ट वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये ₹100 के लिए मैं इतना नहीं बोलता मैं मेरी कॉस्ट देखिए 500 की रिंग है और बैंगल्स मैंने पहने हुए हैं ये 250 ईच हैं और यहाँ पे जो अफगान चोकर मैंने लिए हैं इसके मैचिंग के रिंग्स भी हैं ले लो कौन सा रिंग की क्या प्राइस है भैया कौन सा ये वाला 300 ये 300 की रिंग है बहुत सारी उसमें डाल के देख लो ये भी 300 ये भी 300 की रिंग है और ये इस तरह की रिंग्स डंडी ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी है 500 वाली इसके अलावा बैंगल्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं स्पेशली मुझे ये वाले बैंगल बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक एलिफेंट बैंगल था ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे भी एलिफेंट ज्वेलरी पसंद है तो ये वाला बैंगल भी बहुत अच्छी लग रही है डंडी जो फोल्ड हो आपको बाहर आ रही हो इसकी वो प्रॉब्लम है ना अच्छा ये ऐसे काट दोगे काट नहीं क्यों मैं ऐसे गलत से निकली मैंने तो एक चीज नहीं लेते रहो बहुत सुंदर लग रही है ये भी इयररिंग की क्या प्राइस है भैया 500 each नहीं मतलब पेयर 500 पेयर 500 पेयर के ये नहीं भैया ये इयररिंग्स ये वाले बहुत सुंदर लग रहे हैं ये दे दो मुझे ₹100 आई थिंक इसमें कलर्स भी हैं नेक पीस चाहिए आपको कम कर दूंगा 300 ला दूंगा वाओ ये वाला बहुत क्यूट लग रहा है इसमें वो नहीं है ना सेट नहीं है क्या इसका कान का नहीं आता तो असॉर्टेड लिया हां ठीक है कान के किसी साथ नहीं इसका बता दो मुझे दो मुझे प्राइस इयररिंग्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं सही लगाओ नहीं नहीं इट्स आल्सो वेरी क्यूट लवली और ये वाला मेरे को सबसे सुंदर लग रहा है और ये सारी इयररिंग्स दिख रहे हैं हेवी बट दीज आर वेरी लाइट वेट इयररिंग्स तो ये इसके सही लगाओ तो ये 6 पीस का 150 ये वाला आपको चेक करना बिल्कुल बोल्ड और स्टेटमेंट पीस इस तरह का मुझे अच्छा लगता है जिस तरह का मैं पसंद करती हूँ उस तरह के बैंगल्स हैं दिस इज आल्सो नाइस ये 1000 रुपीज पेयर इयररिंग है ये भी मुझे अच्छा लग रहा है ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या क्या बेचते हैं और ये सारी इयररिंग्स जो हैं हैवी दिख रही हैं बट काफ़ी लाइट वेट हैं तो वेयरेबल हैं और जना ने तो 1100 रुपये डाल दिया है बहुत ही बता सुंदर भी लग रहे हैं स्पेशली ये वाले ये काफ़ी ट्रेंडी हैं और अभी काफ़ी इन भी हैं ये वाला मेरे पास है लास्ट टाइम मैंने भैया से ये वाली इयररिंग ली है तो मैंने यहाँ से अफगान ज्वेलरी अपनी ले ली है शॉप नंबर 11 गुजराती बैगलिंग शॉप नंबर 5 गुजराती बैगलिंग क्या नाम है आपका मनोज जी की मनोज जी के शॉप से शॉप नंबर 5 लास्ट टाइम मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी है इनकी आप भी आएँ और दिल खोल के शॉपिंग करें ओके भैया थैंक यू जंग ज्वेलरी ये क्या बैग है क्यों लेदर है ये तुम्हें क्या लेदर की पहचान है कैसे पता करते हो कौन सा प्योर लेदर है कौन सा नहीं तुम इतने पार की नजरों से देख रहे हो हाँ ये तो फर है इसके बारे में वो बोल रहे हैं ये सब
वीडियो लेदर। जब भैया इतनी श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं तो होगा भी लेदर। कहाँ से हो आप? अच्छा आपको कस्टमर नहीं है दीदी, इसमें तो साड़ियाँ देख लो, एक तो लोग पसंद आए तो लेना रोक कर। दीदी देखो ना कुर्ते साड़ी, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बैग्स मुझे दिख रहे हैं और जैकेट्स भी हैं। और ये अंदर पूरी जो मार्केट है ये है गुजराती बैग लेन। इनकेस अगर आपको नहीं पता है गुजराती बैग लेन कहाँ कैसे आना है तो सामने ये यस बैंक का एटीएम है, इधर से आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो जनपद मार्केट है और उससे भी इजी लैंडमार्क है यहाँ पे सरवना भवन है, उसके ऑपोजिट वाली जो लेन है सीपी में वो है गुजराती बैग लेन। तो अंदर ये बहुत बड़ी नहीं छोटी सी एक लेन है लेकिन पूरे बैग्स चप्पल जयपुरी और बोहेमियन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी है एंड आई एम लीविंग नाउ। तो चलिए और तो जनपद गुजराती बैग लेन से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आपको ये पूरी जो जनपद मार्केट है उसकी ये आउटर लेन है और बिल्कुल यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको जो मेन जनपद मार्केट है आप वहाँ निकल जाएंगे। और ये मेरी चप्पल की शॉप है, यहाँ पे अक्सर मैं कोल्हापुरी चप्पल लिया करती हूँ। स्टोल्स, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, इंडिगो साड़ीज और बहुत सारी अच्छी अच्छी होम डेकोर और क्रिएटिव चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बट जनपद की आउटर लेन से बेसिकली मैं चप्पल लिया करती हूँ। ड्रीम कैचर और इस साइड हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, ये भी मेरी चप्पल की शॉप है। तो लास्ट टाइम मैं आई थी तो मुझे वुडन क्लचेस नहीं मिले थे, तो ये मेरा न्यू डीएन बनवाया हमने अपने खुद के। मैं ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मेरे वुडन क्लचेस हैं जो मैंने सिलेक्ट किए, इनमें से आई गेस मैं कोई एक लूंगी, लास्ट टाइम ये मेरा लेना रह गया था। ये हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे भी कारीगर को भेजे हुए सारा माल। ये देखिए सारे रेंज देख रहे हैं ना आप, ये देखिए अभी ये ऑर्डर है सारा। तो ये सारा कहाँ दिल्ली में काम है आपका? दिल्ली से बाहर है मैम। अच्छा दिल्ली से बाहर, कहाँ से बन के आते हैं? ये मुरादाबाद की तरफ से आते हैं मैम। ये देखिए वाओ, ये सारा अपना, ये देख रहे हैं ना सारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग। और ये बैग्स जो है ये काफी ट्रेंडी हैं, ये ही नहीं ये वाले जो है ना, ये वाले भी बहुत आपको ऑनलाइन मिल रहे होंगे लेकिन इनके पास ऑनलाइन से तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग जनपद मार्केट। विच वन डिड यू लाइक? ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है और ये अच्छा लग रहा है, इनमें से कोई एक मैं सिलेक्ट करूंगी। दोनों बेस्ट है, दोनों अच्छे हैं। एक गिफ्ट दे देना किसी को मैम। मैं 700 का ना? अब भैया इतना बोलने लगे हैं। कल पीस हमने जान करके रखा होगा एक पीस। इसकी क्या प्राइस है? वही 750 का, बट लगा देंगे आपके लिए 750। और ये वाली कम की है, ये देखो इसकी फिनिशिंग देख रहे हो मैम, वेलवेट। ऑनलाइन के पीस बिकते ना वो हमारे बिकते मैम। अच्छा ऑनलाइन भी काम है आपका? मेरा नहीं, मेरे जो कस्टमर शूज है ना वो है ना, मेरे लड़के लड़के देना कर देगा उसको। ठीक है भैया चलो, ओके बाय। तो हमारी शॉपिंग हो गई है और इंडिया गेट होते हुए हम सराय खाले खान की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में मुझे ये एक बहुत अच्छा सा वॉल पे आर्टवर्क दिख गया, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। ये एक्चुअली नया अंडरपास शुरू हुआ है अभी रिसेंटली ही, जो कि आपके ट्रेवल टाइम को बिल्कुल घटा देगा और रोड्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, 3 लेन रोड है और बिल्कुल आर्ट वर्क है, अलग अलग इंडिया के सेक्शन से इन्होंने आर्ट वर्क उठाया है और इनको प्रॉपर वहां से लिया गया है सारा चीज। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था लेकिन स्पेशली इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने वीडियो वापस स्टार्ट किया है।
करते हैं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ब्यूटीफुल है, सी दिस साइड, सो ब्यूटीफुल, लव्ड इट। ये स्ट्रेट हम किधर जा रहे हैं? ये स्ट्रेट हम नोएडा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट हम नोएडा की तरफ जा रहे हैं और दोनों ही तरफ बहुत ही सुंदर आर्टवर्क। हे गाइस, तो मेरी शॉपिंग हो गई है और मैं बस घर पहुंची हूँ। और क्या क्या चीज़ें मैंने ली है मैंने सोचा क्विकली आपको दिखा देती हूँ इसी व्लॉग में, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग नहीं की है तो इसका मैं अलग से हॉल वीडियो नहीं बनानी हूँ। इसमें मैं ही इस वीडियो में ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है एक बैग जो कि मल्टी कलर्ड है और वर्क भी इसमें मिरर का है, बहुत सुंदर है। ये रही इसकी स्ट्रैप भी इसके बहुत अच्छे हैं। तो ये वाला बैग मैंने लिया है जो कि मैं अपने अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स में इसको स्टाइल कर सकती हूँ। इसमें ये देखिए, ये रहा जिप और ये अंदर एक और जिप है इसमें, तो काफ़ी स्पेशियस बैग है। तो सबसे पहला है ये वाला बैग। उसके बाद जो मैंने लिया है वो एक दूसरा बैग है जो कि है वुडन क्लच। ये देखिए, ये इस तरह का है और इसमें इसके साथ ही ये स्लिंग भी है। मतलब इनकेस अगर आपको स्लिंग बैग बनाना हो तो आप वो बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको क्लच की तरह यूज़ करना हो तो सिंपली आप इसको क्लच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके स्लिंग को मैं अंदर कर देती हूँ तो ये बन गया मेरा क्लच। और ये वुडन है तो बहुत ही स्टाइलिश है ही। इसमें बहुत सारे अलग अलग वुडन पैटर्न के क्लचेस थे जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो सेकेंड वन इज़ दिस। उसके बाद मैंने लिया है ये बहुत ही प्यारा सा बैंगल जो कि ओपनेबल है और एडजस्टेबल भी, तो ये बहुत ही सुंदर है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो ये अफगान ज्वेलरी जो कि मैं आपको प्रॉपरली पहन करके दिखाती हूँ। वहाँ पे भी मैंने इसको पहना था लेकिन एक आइडिया के लिए मैं आपको, वैसे तो ये चोकर है लेकिन फिर भी आप जितने आपको ये नेक से क्लोज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रोप से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरा अफगान ज्वेलरी। अभी आप इसको मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे इंस्टाग्राम पे। इनकेस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे स्टाइलिंग वीडियोज़ देख सकते हैं और मैं किस तरह से ज्वेलरी को स्टाइल करती हूँ अपने आउटफिट के साथ, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये है नेक्स्ट अफगान ज्वेलरी। तो बस ये चार चीज़ें मैंने ली है, अफगान ज्वेलरी और ये जो बैंगल है, ये दोनों चीज़ें मिला करके मैंने ली है 1000 rupees की। और ये भैया ने अपनी शॉप का मुझे कार्ड दिया था तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मयंक हैंडीक्राफ्ट ज्वेलर जिससे मैंने लिया है ये अफगान ज्वेलरी और ये बैंगल। ऑल टुगेदर ही मुझे मिला है 1000 rupees में जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वुडन क्लच। ये वुडन क्लच है 500 rupees का, तो ये भी 500 rupees में बहुत ही अच्छा बैग है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं तो ये बिल्कुल अपने वार्डरोब में आप रख सकते हैं। उसके बाद जो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा लेकिन इसका आर्ट वर्क अच्छा है तो इसलिए मैंने ले लिया, तो ये है 1000 rupees का 2500। जो आंटी थी वहाँ पे उन्होंने मुझे 2500 का कोट किया था लेकिन फाइनली उन्होंने मुझे 1000 rupees में ये बैग दे दिया है। तो ये है मेरी इस बार की गुजराती बैग लेन की परचेज। ये तीन चीज़ें मैंने ली है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बस ये था मेरा गुजराती बैग लेन का ब्लॉग। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरे स्टाइलिंग वीडियोज़ आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें।
और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।